आज मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ वेज मोमो की रेसिपी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोमोज को कैसे फोल्ड किया जाता है 3-4 तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में ली हूँ ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा ऐड करूंगी फाइनली चॉप किया जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज। इनको हमें तब तक भूनना है जब तक कि ना इसमें से अच्छा सा खुशबू ना आने लगे। जलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बस खुशबू आने तक ही हम इसको कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे इनमें से खुशबू आने लगेगा मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पे फाइनली चॉप्ड किया हुआ अनियंस। अनियंस को हमें तब तक पकानी है जब तक ये ट्रांसलूसेंट थोड़ा सा ना हो जाए। जैसे थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा ऐड कर दूँगी यहाँ पे बारीक चॉप किया हुआ कैबेज। कैरेट को मैं ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हमें अच्छे से पका लेनी है तब तक जब तक कि ना विल्ट डाउन ना हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरे ये कैरेट कैबेज विल्ट डाउन हो चुके हैं, पक चुके हैं। तब हम ऐड कर देंगे इसमें फाइनली चॉप किया हुआ कैप्सिकम। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इसमें ना कैप्सिकम में थोड़ा क्रंच रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट फॉर टेस्ट। और याद रखिएगा जब आप कैबेज ऐड करते हो ना तो तब ऐड मत कीजिएगा सॉल्ट, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा जूसेस रिलीज़ कर देगा। कैबेज में खुद का मॉइस्चर होता है, तो लेट इट कुक वेल। फिर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर हम ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट के बाद। इसके बाद जाएगा सोया सॉस 1 टीस्पून। ये है बटर, ये मेरा स्टाइल है जिसमें मैं ऐड करता हूँ, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये ऊपर एक लेवल चल जाता है, जैसे कि नॉर्मल आप वेज मोमोज खाते हो ना, ये 1 स्टेप अहेड ले जाता है आपको, बहुत टेस्टी कर देता है बटर ऐड करने का। ये मेरा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, बताना मत, हालांकि मैंने आप लोग को बोल दिया। एक 2 बॉल लेंगे, इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। याद रखिएगा मोमो का जो रोलिंग होता है बहुत थिन करना पड़ता है, ज़्यादा थिक रखेंगे ना तो फिर वो च्यूवीनेस पकड़ लेगा। तो ये मैंने रोल कर लिया है इसको। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हमारा मोमो का फिलिंग, जो हमने वेज मोमो का फिलिंग बनाया था वो अच्छे से सेंटर में प्लेस कर दीजिएगा। अब आती है फोल्डिंग का, जहाँ पे मैं आपको 3-4 तरीके से सिखाऊंगी आप मोमो कैसे फोल्ड कर सकते हो। तो मैं बीच में रखी हूँ स्टफिंग, और दोनों जो एजेस थे हमारे दोनों कॉर्नर्स, इसको हम बीच में लाएंगे। पहले अच्छे से हमें ना इसको पिंच करना है। याद रखिएगा अगर आप पिंच नहीं करोगे ना तो जो स्टफिंग है मोमो का वो बाहर निकल आएगा एंड वो स्पॉइल कर सकता है बाद में। तो इसको मैं बीच से लेके एंड तक, एक एंड तक, बीच से लेके एक एंड तक पिंच करके इसको टक कर ले रही हूँ। अब दूसरा जो बीच से लेके दूसरा एंड जो था, इसको मैं ट्राइंगल शेप में कर रही हूँ, इन्वर्ट कर डाला था मैंने। फिर बीच से लेके दूसरे एंड तक इसको फिर से पिंच करेंगे और ये काइंड ऑफ फर्स्ट मोमो का शेप बन चुका है। तो जो भी आपको ईज लगता है उसी तरीके से आप अपने मोमोज के डिज़ाइंस बनाइएगा। अब दूसरे डिज़ाइन पे जाते हैं हम, सेम प्रोसीजर। बीच में हम रखेंगे हमारा मोमो का स्टफिंग। ये मैं इसको कैसे कर रही हूँ, साइड साइड से हम ना इसको ऐसे डिज़ाइन करेंगे, साइड से थोड़ा थोड़ा फ्लिप कर करके ऐसे हम टक करेंगे। ये हो गया दूसरा हमारा मोमो का डिज़ाइन। पूरा मोमो को ऐसे फोल्ड करने के बाद ना, जो थोड़ा सा ऊपर में सरफेस बच जाता है इसका, मोमो का थोड़ा सा जो बच जाता है ना, उसको निकाल लीजिए। अदरवाइज ये इसी में ना टक कर देंगे तो थोड़ा वो रबड़ी काइंड ऑफ मैदा मैदा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। फिर थर्ड डिज़ाइन पे जाते हैं। फिर से मैंने मोमो एक पेड़े को रोल कर लिया था एंड फिर से मैं बीच में ना स्टफिंग रख रही हूँ। अभी आपके ऊपर है आप ज़्यादा स्टफिंग रखो या कम स्टफिंग, वो डिपेंड भी करता है कि आप ज़्यादा रखोगे तो फोल्ड कर पाओगे या नहीं, इट डिपेंड्स। तो देखिए ये जो फर्स्ट उस साइड का हाफ है, मैं इसको कैसे रोल कर रही हूँ, देखिए। तो मैं इसको ऐसे में रोल कर रही हूँ। पहले मैं बीच से लेके बीच का जो फर्स्ट हाफ है उसको मैं रोल कर रही हूँ ऐसे, थोड़ा सा पिंच कर करके, जगह छोड़ छोड़ के हम इसको पिंच करेंगे। जस्ट सी, आप देख के समझ पाओगे बेहतर। इसको हम ऐसे शेप देंगे और बीच बीच से ना इसको एक दूसरे से स्टिक करते जाएंगे। दोनों साइड से हम शेप देंगे एंड स्टिक करेंगे, बीच में हमें ऐसा स्टिक करना है। अब
रखिएगा जब आप मोमो का स्टफिंग कर डालते हो, फिर शेप जब देते हो ना, तो अच्छे से पिंच कीजिएगा। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि अगर आप अच्छे से पिंच करके इसको ना शेप नहीं दोगे ना, तो फिर चांसेस आर हाई कि जब स्टीम होगा तो वो खुल जाएगा, फिर आपका स्टफिंग बाहर निकल सकते हैं एंड फिर वो अच्छा लुक नहीं देगा आपके मोमो को। पिंच करना इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइनली हम मोमो को स्टीम करेंगे विदाउट अ स्टीमर। तो एक पैन में ली हूँ मैं 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें ऐड कर दूँगी मैं पानी। पानी ज़्यादा मत रखिएगा, कम भी मत रखिएगा, इतना जितना कि आपका मोमो जो है वो स्टीम हो जाए। अराउंड 1/4 कप विल बी इनफ टू स्टीम योर मोमोज। अब जेंटली हम हमारे मोमोज को ना स्टीम कर देंगे। इस हद तक पानी बहुत गर्म हो जाता है तो सावधानी बरत के ना मोमोज को प्लेस कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने मोमोज प्लेस कर दिया। अब इसको मैं लिड लगा के कुक करूँगी अराउंड 3-5 मिनट्स के लिए, उसे ज़्यादा भी ले सकते हैं 7-8 मिनट्स। अब हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, फर्स्ट ये जो मोमोज होंगे ना ये अपना कलर चेंज कर लेगा, ग्रेइश कलर में चला जाएगा। ये फर्स्ट थिंग होगा जो हमें इंडिकेशन देगा। सेकंड, ये मोमो का जो बेस है नीचे वाला ऐसा कलर हो जाएगा, देखिए इतना लवली कलर, गोल्डन ब्राउन कलर ले लेगा, तब हम समझ जाएंगे कि हमारा जो मोमो है वो स्टीम हो चुका है। और थर्ड, पानी पूरा सूख जाएगा तब हमारा मोमो स्टीम हो चुका है। नाउ ये मेरा फाइनल लुक है मेरे मोमोज़ का। तो मैंने इसको सर्व किया विद द मोमो चटनी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक रख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ईज़ के लिए अगर आप भी बनाना चाहते हो तो। एंजॉय दिस मोमो रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गिव अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगा। वीडियो पसंद आता है एक लाइक दे देना। थैंक यू वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और कोई भी राय आप मुझसे साझा करना चाहते हो तो यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो।